एमएसआई जो कि बहुत ही मशहूर गेमिंग लैपटॉप मैन्युफैक्चरर है, उसने इंडिया में लॉन्च कर दिए अपने तीन लेटेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स GV62 सीरीज के नाम से। तो क्या है इसके स्पेसिफिकेशंस और क्या है इसकी प्राइसिंग, क्योंकि एमएसआई जो है वो बता रहा है कि ये है काफ़ी अफोर्डेबल। हाय, मेरा नाम है शारिब, आप देख रहे हैं कमाल की गैजेट्स और आज हम बात करेंगे एमएसआई के इन्हीं तीन लैपटॉप्स के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इन तीनों लैपटॉप्स के मॉडल नंबर आपको बता देता हूँ, जो कि है GV62 7RD, दूसरे नंबर पे आता है GV62 7RE और तीसरे नंबर पे आता है GV62 7RF। इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो है GPU का, और जो बाकी माइनर डिफरेंसेस है वो आगे हम इस वीडियो में धीरे धीरे करके जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं GV62 7RD की। इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया 79,990 रुपीज़ में। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। CPU जो यहाँ पर आपको मिलता है वो है कोर i7 का 7th जनरेशन 7700HQ प्रोसेसर। वेल, जो HQ प्रोसेसर होते हैं वो होते हैं क्वाड कोर, जो कि गेमिंग या फिर हाई इंटेंस काम करने के लिए ज़रूरत जिसका पड़ता है। जनरली इस पॉइंट पे आपको i5 का 7th जनरेशन का HQ प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो i7 का 7th जनरेशन HQ प्रोसेसर बहुत अच्छी बात है इस प्राइस पॉइंट पे। दूसरी खास बात है i7 की 7th जनरेशन HQ प्रोसेसर की, वो ये एक ये सपोर्ट करती है हाइपर थ्रेडिंग को, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हाइपर थ्रेडिंग का मतलब है कि ये होता है एक्चुअली क्वाड कोर है, बट काम करता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर की तरह। इसकी डिटेल हम फिर कभी किसी और वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके ग्राफिक कार्ड की, जो आपको मिलता है 4GB की DDR5 NVIDIA 1050। वेल, NVIDIA 1050 थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है यहाँ पे, जैसे कि लेना वो लीजन Y520 में आपको देखने को मिलता है NVIDIA का GTX 1050 Ti ग्राफिक्स कार्ड, वहीं आपको एसर का नाइट्रो 5 सीरीज में भी 1050 Ti देखने को मिलता है। सो 1050 थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है कोर i7 का 7th जनरेशन HQ प्रोसेसर, जो कि इन दोनों लैपटॉप में जिसके बारे में मैंने बताया लेनोवो और एसर का, यहाँ पर आपको मिलता है कोर i5 का 7th जनरेशन प्रोसेसर। डिस्प्ले जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है वो है फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। वेल, ये क्लियर नहीं है कि IPS पैनल है या TN पैनल है, मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि TN पैनल ही होती है, क्योंकि कंपनी जो है वो जो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल के गेमिंग लैपटॉप होता है उसमें IPS डिस्प्ले नहीं देती है। IPS डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो वो इस चीज़ को कटआउट कर जाती हैं और देती हैं आपको TN पैनल। वेल, TN और IPS पैनल के बारे में बात करें तो TN पैनल जो है, अब TN पैनल्स के भी बहुत अच्छे पैनल्स आने लगे हैं, लेकिन फिर भी IPS पैनल के व्यूइंग एंगल्स वगैरह काफ़ी अच्छे दिखते हैं, कलर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है IPS पैनल में, लेकिन TN पैनल में व्यूइंग एंगल वगैरह अच्छे नहीं होते हैं। सो गेमिंग लैपटॉप्स के लिए TN पैनल उतने अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है IPS पैनल के लिए तो TN पैनल भी इतना बुरा चॉइस नहीं है। बात करें अगर रैम की, तो यहाँ पर आपको मिलती है 8GB की DDR4 रैम। इंटरनल स्टोरेज आपको मिलता है इसमें 1 TB का। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है DOS, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि लेनोवो और एसर वाले मॉडल में आपको विंडोज 10 का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस कटआउट MSI ने ज़रूर किया है। वेट की अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जनरली गेमिंग लैपटॉप जो है वो 2.5 kg या उससे ऊपर उनका वेट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर MSI जो है उसने वेट को काफ़ी कम रखा है और इसकी जो वेट है वो है 2.2 kg। उसका मेजर रीज़न ये है कि ये लैपटॉप जो है वो देखने में आपको मेटेलिक लुक देता है, मेटेलिक फिनिश इसमें ज़रूर है, बट ये है एक्चुअली प्लास्टिक बिल्ट। स्टिल MSI ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है और जो लुक्स है वो इतना बुरा नहीं लगता है। बिल्ड क्वालिटी जो है वो प्लास्टिक के होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छी है इसकी। एक्सपेंडेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको जो एक्सपेंडेबिलिटी का ऑप्शन मिलता है वो है अप टू 32GB, विच इज़ रियली नाइस, क्योंकि मुझे लगता है कि 8GB जो है वो गेमिंग लैपटॉप्स के लिए थोड़ा सा कम है। एटलीस्ट 16GB होना चाहिए गेमिंग लैपटॉप्स के लिए, ऑल्दो 8GB भी सफिशियंट है, बट अगर आप उसको एक्सपैंड करके 16GB कर लेते हैं तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपकी हो जाती है और स्मूथ। पोर्ट्स यहाँ पर आपको लगभग सारे मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है USB 2.0 का एक पोर्ट, USB 3.0 का आपको दो पोर्ट्स मिल जाते हैं, विच इज़ रियली नाइस टू सी। आपको मिल जाता है टाइप सी का यहाँ पर एक पोर्ट, लैन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, SD कार्ड रीडर वगैरह यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ऑप्टिकल ड्राइव, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया है कि गेमिंग लैपटॉप में ऑप्टिकल ड्राइव जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि जनरली लोग जो है वो स्टीम से डाउनलोड कर लेते हैं गेम को और वहीं से अब खेलना प्रेफर करते हैं, तो ऑप्टिकल ड्राइव जो है अब धीरे धीरे करके ख़त्म होता जा रहा है, तो ऑप्टिकल ड्राइव का ऑप्शन यहाँ पर भी आपको देखने को नहीं मिलता है। टच पैड की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टच पैड और कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं गेम्स को खेलने के लिए, तो टच पैड यहाँ पर जो है वो है विंडोज़ का प्रिसीजन ड्राइवर, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विंडोज़ प्रिसीजन ड्राइवर जो है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाती है स्टील सीरीज़ की कीबोर्ड, जो कि है रेड बैकलिड, ऑल्दो ये RGB कीबोर्ड नहीं है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, बट स्टिल स्टील सीरीज़ की जो कीबोर्ड दी गई है वो वाकई में बहुत ही अच्छी है। अब बात कर लेते हैं बाकी के दो लैपटॉप GV62 7RE एंड GV62 7RF के बारे में। वेल, GV62 7RE की जो कीमत है वो है 1,04,990 रुपीज़। मेजर डिफरेंस जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 7RD के कंपैरिजन में वो है यहाँ पर
4GB DDR5 NVIDIA GTX 1050 Ti ग्राफिक्स कार्ड। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि 7RD में अगर 1050 Ti होता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन ये चीज़ वहाँ ना दे करके इन्होंने यहाँ पर दिया है और इसी वजह से ये एक प्राइस डिफरेंस इन्होंने रखा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ देखने को मिलती है वो है स्टोरेज की कैपेसिटी में। यहाँ पर आपको 128GB की SSD भी देखने को मिल जाती है। 7RD में जो था वो था सिर्फ 1TB की हार्ड डिस्क, यहाँ पर आपको 128GB SSD के साथ में मिलती है 1TB की हार्ड डिस्क। इसके अलावा जो बाकी स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल सिमिलर हैं। तो अब बात कर लेते हैं GV627RF की। वेल, यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो भी ग्राफिक्स कार्ड की ही है। यहाँ पर आपको मिल जाती है 6GB DDR5 NVIDIA GTX 1060 ग्राफिक्स कार्ड। वेल, 1060 की बात अगर की जाए तो 1050 के कंपैरिजन में इसकी जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम 2.5 टाइम्स बढ़ जाती है। 1050 Ti के कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो आपको ऑलमोस्ट 40-50% की इंक्रीज़ मिलेगी। 1050 से 1050 Ti के बीच में आपको परफॉर्मेंस जो है वो ऑलमोस्ट 30% के आसपास में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन 1050 और 1060 के बीच की जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। इसके साथ यहाँ पर भी आपको 128GB की SSD देखने को मिलती है। RAM इस वाले मॉडल में आपको देखने को मिलता है 16GB की। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि NVIDIA 1060 जो है वो रिकमेंडेड है वर्चुअल रियलिटी गेम्स खेलने के लिए। जैसे हो गया Oculus Rift, HTC की Vive जो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स हैं, उनमें जो गेम्स होते हैं वो आपको जो मिनिमम GPU की रिक्वायरमेंट है वो होगी 1060 उन सब गेम्स को खेलने के लिए। अब बात कर लेते हैं थोड़े से इसके प्रोस की और कुछ इसके कॉन्स के बारे में। सबसे पहला जो प्रो है वो इस लैपटॉप का है इसका CPU। तीनों लैपटॉप में आपको मिलते हैं Core i7 का 7th जनरेशन 7700HQ प्रोसेसर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये होते हैं क्वाड कोर प्रोसेसर और ये सपोर्ट करते हैं हाइपर थ्रेडिंग को। दूसरे नंबर पर जो प्रो मुझे लगता है वो है इसका वेट, जो कि है सिर्फ 2.2 kg। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि गेमिंग लैपटॉप जो है वो आते हैं 2.5 kg या फिर उससे ज़्यादा के वजन में, लेकिन 2.2 kg को हिट करके MSI ने वाकई में बहुत ही एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप बनाया है। तीसरे नंबर पे आता है इसके स्टील सीरीज कीबोर्ड्स की। चौथे नंबर पे अगर मैं बताऊं तो वो है इसकी साउंड परफॉर्मेंस। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2 वॉट के 4 स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको नाहिमिक साउंड टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है जो आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को बनाती है और ज़्यादा इमर्सिव। ये प्रोड्यूस करती है 2D+3D साउंड इफेक्ट जिसका एक्सपीरियंस वाकई में बहुत ही कमाल है। साथ ही साथ आपको मिल जाता है कूलर बूस्ट टेक्नोलॉजी। वेल, जहाँ पर पावर ऑन और ऑफ का की है वहीं पर MSI ने कूलर बूस्ट के लिए एक बटन दे रखा है, जो कि बेसिकली अगर आपका लैपटॉप जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तब आप उस बटन को प्रेस करके आप अपने लैपटॉप के ज़्यादा तेज़ी से ठंडा कर सकते हैं। साथ ही साथ MSI का एक ऐप भी है जिसमें आप जा करके फैंस को किस तरह से आप यूज़ करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसको सेटिंग को चेंजेस आप वहाँ पर कर सकते हैं। वारंटी यहाँ पर आपको 2 साल की देखने को मिलती है, विच इज़ रियली नाइस टू सी, क्योंकि ज़्यादातर लैपटॉप्स में आपको 1 साल की वारंटी देखने को मिलती है और वो ऑफ़र करते हैं कुछ वारंटी एक्सटेंड करने के लिए, कुछ आपको एक्स्ट्रा मनी पे करना होता है। 1 साल को लेने के लिए आपको ऑलमोस्ट 4000 रुपये, 2 साल के लिए 6000 रुपये आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 साल के लिए आपको दिया जा रहा है, तो 2 साल की वारंटी के लिए MSI को मिलता है एक थम्सअप। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है इन लैपटॉप्स की, हालांकि ये प्लास्टिक चेस हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, तो प्लास्टिक जैसे में आपको थोड़ा सा फ्लेक्स देखने को ज़रूर मिलता है, तो थोड़ा सा फ्लेक्स यहाँ पर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये काफ़ी रिजिड है और काफ़ी स्टर्डी है ये लैपटॉप। अब जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है वो इसका प्लास्टिक बिल्ड है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऑल द ओवरऑल इसकी बिल्ड जो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन प्लास्टिक जैसे होने की वजह से थोड़ा सा फ्लेक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और डिस्प्ले जो है वो मोस्ट लाइकली यहाँ पर TN पैनल दिया गया है, तो व्यूइंग एंगल्स वगैरह यहाँ पर आपको बहुत अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट 79,900 वाला जो लैपटॉप है वो लैपटॉप जो है वो काफ़ी अच्छी डील है इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे आपको जनरली जैसे कि मैंने पहले बताया i5 7th जनरेशन HQ प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो अगर आप CPU इंटेंसिव टास्क करते हैं जैसे कि आप Adobe Premiere Pro यूज़ करते हैं या आप वीडियो एडिटिंग वगैरह या इमेज एडिटिंग वगैरह अगर आप करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपकी प्रेफरेंस जो है वो ये लैपटॉप होनी चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे। और अगर आपका मोस्टली यूजेज जो है वो गेमिंग है तो मेरे हिसाब से आप कोई और दूसरा लैपटॉप देख सकते हैं इस प्राइस पॉइंट पे जहाँ पर आपको 1050 Ti ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। 7RE की अगर बात करें जिसकी प्राइसिंग है 1,04,990 रुपीज़, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ओवर प्राइज है इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं इस स्पेसिफिकेशंस के दूसरे लैपटॉप जो हैं वो 90,000 और कुछ कुछ 85-90 के आसपास में आपको कुछ ऐसे लैपटॉप्स हैं जो मिल जाते हैं सेम स्पेक्स के साथ में, तो इसकी प्राइसिंग मुझे लगती है थोड़ी सी ओवर प्राइस। बात करें 7RF की जिसकी प्राइसिंग है 1,19,900 रुपीज़, तो मुझे लगता है कि इसमें GTX 1060 है और GTX 1060 वाले जितने भी मॉडल इंडिया में मौजूद है वो सारे के प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट लाख रुपीज़ से ऊपर के ही हैं। 1,05,000, 1,10,000, 1,16,000 इस तरह से इनकी प्राइसिंग है 1060 वाले मॉडल्स की, तो इसकी प्राइसिंग उस हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में कम्पीट करना था MSI को तो उसको इसकी प्राइसिंग भी थोड़ी सी अग्रेसिव रखनी चाहिए थी और थोड़ा सा कम होता, अगर अंडर लैक इसको अगर रखा जाता तो ये हो सकता था एक स्टील डील।
तो ये है मेरे व्यूज़ इन तीनों लैपटॉप्स के बारे में। क्या है आपके व्यूज़, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपके हैं कोई सवाल तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उनका जल्द से जल्द जवाब देने का। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और इन तीनों लैपटॉप्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो अगर आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं इन्हें, तो आप हमारे दिए गए लिंक का इस्तेमाल करें। और हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर।